शिवपुरी में कई मोहल्लों में आज विद्युत विभाग की टीम ने घरों में छापामार कार्यवाही करते हुए कई हीटर जब्त किए हैं। हम आपको बता दें कि घरों में बिजली चोरी कर हीटरों को जलाया जा रहा था। बिजली कंपनी के जेई ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में लगातार अवैध रूप से जलाए जा रहे हीटरों से लोड अधिक होने के चलते बिजली की केबलों और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ रहे थे। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या से भी लोगों को सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज मामू पान वाली गली, प्रजापति मोहल्ला, हम्माल मोहल्ला में अवैध हीटर जब्ती और अवैध तार निकालने की कार्यवाही की गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज विद्युत चोरी आज आपने पकड़ी है, कितने क्या कुछ कहां का मामला था? आज हमारे द्वारा मामू पान वाली गली, प्रजापति मोहल्ला और हम्माल मोहल्ले में चेकिंग की गई अवैध हीटर की। उस क्षेत्र में आए दिन केबल जलना, DTR के खराब होना एवं केबल DTR के तार टूटना, ये समस्या होती। तो कार्रवाई की है क्या? हमने समझाई दी है। अभी तो आज हमने जिनके घरों में केबल अवैध हीटर पाए गए उनको जब्त किया गया, उनको चेतावनी दी है कि आगे से मिलता है तो आपके ऊपर कंपनी नियम जो एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितने आज? लगभग 60-70 नंबर हीटर जब्त किए गए। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कुछ प्रकरण भी सर बनाए किसी के? प्रकरण तो आज नहीं बनाए, जैसे आज चेतावनी जारी की गई है, भविष्य में और चेकिंग करने के बाद मिलेंगे तो उनके प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। अच्छा, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।